भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर डेढ़ महीने से जारी जो फेस ऑफ चल रहा है, आमना सामना चल रहा है, उसने बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है। सोमवार रात वहां भारतीय और चीनी फौजों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें भारत के एक कर्नल और दो जवान शहीद हो गए। भारतीय फौज ने कहा है कि कैजुअल्टी दोनों तरफ से हुई है, यानी चीन के फौजी भी मारे गए हैं। उस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाध्यक्षों और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी हालात का जायजा लिया गया। 45 साल बाद, कल्पना कीजिए, 45 साल बाद यानी सन 1975 के बाद यह पहला मौका है जब भारत और चीन की फौज के बीच इस तरह की गोलीबारी हुई हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे करगिल जब हुआ था 1999 में, सन 71 के बाद हुआ था। बहरहाल ये खबर भी आई है कि दोनों सेनाओं के बीच फिर से संवाद बन गया है। तनाव घटाने के लिए दोनों देशों के मेजर जनरल लेवल के अफसर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोनों देश शांतिपूर्ण तरीकों से मसला हल करने पर सहमत हो गए हैं। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, डिफेंस और विदेशी मामलों के जानकार डॉ मनोज जोशी। डॉ जोशी, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मैं पहला सवाल मेरा यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरह से एक नया मोड़ आया है, क्या आपको लगता है कि अब भी बातचीत से चीनी घुसपैठ का मामला हल किया जा सकता है? देखिए, ये बात तब मानी जा सकती है जब ये जायजा लिया जा सकता है कि चीन चाहता क्या है, क्योंकि इस इलाके में पहले कभी कोई टकराव नहीं था गलवान के इलाके में। तो अगर चीन यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बोला है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है कोई एक ऐसी लाइन नहीं है, नक्शे में नहीं है जो कि कहा जा सकता है ये भारत का इलाका है, ये चीन का इलाका है। दोनों मुल्क जो है अपनी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल सामने रखते हैं और कहते हैं कि दूसरे को मालूम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहां है। तो ऐसी सूरत में इस किस्म के टकराव जो है वो होते रहते हैं, पर इस इलाके में ये नहीं होता था अभी तक। और अब अगर ये हादसा जो हुआ है इसके बाद ये तभी स्पष्ट होगा कि चीनी लक्ष्य क्या है। क्या वो चाहते हैं कि हमारी जो सड़क बनी है दारबुक से लेके दौलत बेगोल्डी तक, उस सड़क को काटना चाहते हैं या उसके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं? क्यों ये वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बदलना चाहते हैं? इसका जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक बड़ा मुश्किल है कहना कि यहां पे समझौता हो सकता है या नहीं। क्या आपको लगता है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो हो रहा है वो, दूसरी तरफ नेपाल से भी ये सीमा का झगड़ा है, तीसरी तरफ चीन से भी, ये एक तीन तरफ से हमें घेरने की कोशिश है जबकि हम कोरोना से और अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के साथ जो झगड़ा है वो तो एक झगड़ा चला आ रहा है, इसके साथ जोड़ना मैं समझता हूं जायज नहीं होगा। और नेपाल का भी जो मामला है वहां आपको मालूम है कि उसके अंदरूनी कारण भी हैं और कुछ हमारी भी कमियां हैं जिसकी वजह से ये मसला जो है उस स्तर पे पहुंचा जिस स्तर पे आ गया है। जहां तक कि चीन का सवाल है, मैं समझता हूं कि इसके अपने ही ड्राइवर हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 16-18 ऐसी जगह हैं जहां पे कि हमारे परसेप्शन जो हैं, जहां जो हम समझते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पे है, वहां पे भेद है, मतलब डिफरेंस है चीन और भारत के बीच में। पर ये एक नया इलाका है, इसलिए कहना कि ये तीनों चीज जुड़ी हुई हैं साथ, क्योंकि मैं अब समझता हूं कि जो ये तीन हादसे हुए हैं गोगरा में और पेंगोंग सो और गालवान में, तो गालवान जो है वो वहां पे चीन का लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य वहीं पे है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। इस बार चीन की घुसपैठ के पहले ऐसे मामलों से सबसे अलग है इस बार की घुसपैठ, यानी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की गलतफहमी के कारण होने वाला लोकल इंट्रूजन नहीं है। चीन के रुख को देखते हुए ये तो पहले से ही साफ हो गया था। एक साथ कई जगह पर इस तरह की घुसपैठ सन 1962 की जंग के बाद इससे पहले कभी नहीं हुई।
मगर ये अपने आप में पूरी कहानी नहीं है, इससे जुड़े कई पहलू हैं। ऐसा लगता है कि चीन को भारत से कई शिकायतें हैं, जैसे डॉक्टर जोशी भी कह रहे हैं। इनमें से एक तो ये कि एलएसी से लगे इलाकों में भारत ने अपनी जो रक्षा की तैयारियां हैं उनको मजबूती देने के लिए गुजरे सालों में काफी कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, जो चीन को पसंद नहीं आया। दूसरी शायद यह है कि पिछले 6 साल में भारत के रिश्ते उन देशों से काफी गहरे हुए हैं जिनसे चीन के बहुत अच्छे संबंध नहीं है। इनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और सबसे ऊपर अमेरिका है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे धनी जो औद्योगिक देश है उनका ग्रुप है G7, उसके विस्तार करने का इरादा जताया। अमेरिका में होने वाली उसके अगले समिट यानी शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस के साथ साथ भारत को भी इन्वाइट किया। मगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को उन्होंने नहीं बुलाया है। अमेरिका और चीन के रिश्ते में काफी तनाव है रिश्तों में, इसलिए चीन G7 के विस्तार की ट्रंप की कोशिश को अपने खिलाफ मानता है। भारत ने उस न्योते को मंजूर कर लिया है, जबकि रूस ने यह कहा कि ट्रंप जो हैं डोनाल्ड ट्रंप चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी ट्रंप की इस कोशिश से असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि वो G7 को चीन विरोधी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है डॉक्टर जोशी, G7 को G11 में बदलने की डोनाल्ड ट्रंप की पहल को या जो उनकी ख्वाहिश या इच्छा है, आप उसका विश्लेषण क्या करेंगे, आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मामला है, डोनाल्ड ट्रंप के कोई सिद्धांत तो है नहीं और ना कोई उनकी ऐसी पॉलिसी है जिसपे वो दृढ़ रहते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो ये इस समय जो ये मौका है, ये इस समय वो केवल अमरीकी चुनाव को देख रहे हैं। इस साल नवंबर में वो दूसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ेंगे और इस समय उनकी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, ये कोविड की वजह से इतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने ये एक पॉलिसी अपनाई है कि चीन को घेरा जाए, चीन के ऊपर हमला किया जाए और उसको लेके अपना चुनाव जो है जीतने की कोशिश करेंगे। तो जब ये मामला जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ उलझ गया है, अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ उलझ गया है, तो मैं समझता हूं कि बाहरी ताकतें जो हैं उनको बहुत होशियार रहना चाहिए और यूरोपियन यूनियन और रूस जो है जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पे नहीं फंसना चाहिए। ये हमारा झगड़ा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं और अगर वो चाइना पे हमला करना चाहते हैं उसके साथ हमको ऐसा कोई सिग्नल नहीं देना चाहिए जिससे कि हम उसको किसी तरह से उसकी सराहना कर रहे हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। चीन को अगर ये शिकायत है कि भारत उसके खिलाफ अमेरिकी गोलबंदी का हिस्सा बन गया है, तो असल में चीन ने भी बीते हुए कई सालों में भारत विरोधी कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे बड़ा तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें चीन ने लगभग $50 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है। ये जो एक आर्थिक गलियारा जिसे हम कहेंगे, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। ये इलाका भारत का अपना इलाका है। वहां बिना भारत की रजामंदी के चीन ने भारी निवेश करने का फैसला किया। उसने इस बात की पूरी अनदेखी कर दी कि उस इलाके पर भारत की सॉवरेनिटी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसने काफी समय तक मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को, दहशतगर्द को संरक्षण दिया, उसको हिफाजत दी। मेरा आखिरी सवाल आपसे है डॉक्टर जोशी, अब चीन को सैनिक और डिप्लोमेटिक दोनों मोर्चों पर सही जवाब देने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, जब आपके सरहद जो है वहां पे दो ऐसी शक्तियां हैं जिनके साथ आपका झगड़ा है, तो मैं समझता हूं कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम एक ऐसी शक्ति जो है उससे कुछ समझौता किया जाए ताकि ये जो गठबंधन बना है इसको तोड़ा जाए। पर भारतीय कूटनीति जो है, ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि आज तक वो चीन और पाकिस्तान के बीच में जो सहमति बनी है इसको मेरे ख्याल से तोड़ना तो छोड़िए, मत इसको कमजोर भी नहीं कर पाई है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि किसी भी तरह से हम ये चीन और पाकिस्तान को अलग अलग कर दें, ये हमारी कूटनीति होनी चाहिए। पर ये कैसे आप करेंगे? या तो आप बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएं
वो आप बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी कमजोरियां हैं, आपकी पॉलिसी जो हैं आपको डुबा रही हैं। दूसरी तरह से आप कूटनीति इस्तेमाल करिए, पर अगर आप आज की सरकार देखेंगे वो पाकिस्तान से लड़ने में सबसे आगे है और अब चीन के साथ फंसा हुआ है, तो क्या उसकी पॉलिसी होनी चाहिए? तो वो एक ही पॉलिसी का रास्ता ढूंढ रहा है, वो कि हम अमेरिका के साथ करीब हो जाएं, पर अमेरिका जो है वो हमारी हमारे लक्ष्य जो है उनके पीछे जो है नहीं लगेगा, वो तो चाहेगा कि हम उनके लक्ष्य जो है वहां पे उनका हाथ मजबूत करें, वो हमारा हाथ मजबूत नहीं करेगा, वो चाहता है कि हम उसके हाथ मजबूत करें। जी बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोहर जोशी। इतना स्पष्ट है कि चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा हो, चाहे वो सैनिक मोर्चा हो, फौजी मोर्चा हो, इस वक्त आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की भी जरूरत है थोड़ी सी। ठीक है, जप्पी पप्पी भी हुई, काफी सारी झूले भी झूले गए, लेकिन कूटनीति ये नहीं होती। और फौज की जहां तक बात है, फौज तो सरकार के इशारे पर, सरकार के हुक्म पर काम करती है, सिर्फ उस पर भी नहीं छोड़ा जा सकता कि वो चीन के साथ जो समस्या चल रही है उसको अपने आप सुलझा लेगी। जाहिर है कि ऊपर से स्पष्ट निर्देश हों, केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हों, और एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर, दूसरी तरफ नीचे फौज के लेवल पर ऐसे बात की जाए, लेकिन क्लैरिटी जरूरी है कि चीन के साथ करना क्या है।